बच्चे की कमी को ध्यान में रखते हुए और साथ में सभी समाज के लोगों को एक समान रूप से उनका सम्मान हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, समाज के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है वो करोड़पति से करोड़पति को भी वो सम्मान नहीं मिलता जो समाज के लोगों के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन के रूप में दिया जाता है। सम्मेलन में कोशिश की जाती है एक गरीब से गरीब परिवार भी समाज के द्वारा की गई व्यवस्थाओं में एक इज्जतदार सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न होता है। और साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में जैसा कि अभी माहौल साहब कह रहे थे, सबसे पहले हिंदुस्तान में यदि सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन अन्य जातियों की ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह, चाहे वो एसटी एससी के हो चाहे दलित हो चाहे पीड़ित हो, महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसकी अलग जगाई थी। और उनके अलग जगाने के बाद पूरे देश में सभी समाजों में एक चेतना आई है। आज आप ये देखेंगे कि जहां जो सामूहिक सम्मेलन होगा, अगर ये सबके घर पे होता तो आप ये सोचिए कि 150 के लगभग जो प्रणय सूत्र में वर वधु बंधोगे कितना खर्चा हो जाता है, एक में भी अगर खर्चा जोड़ते। दूसरी बात ये होती है कि मान लो शादी हम लोग करते तो पड़ोसी की शादी को देख के हमारे मन में चिंता होती कि उसके यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा टेंट है, इतना अच्छा बैंड है, इतना अच्छा खाना है। आज देखिए चाहे भरतपुर में हो चाहे दौसा में हो चाहे वही सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी का सवाल हो, कल राजसमंद में होगा, फिर इसके बाद आपके डिग्गी में सम्मेलन और 4 तारीख को होगा, इस बात का संकेत करता है कि सैनी समाज में अब जागृति आने लगी, समाज के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने लगे। और यही नहीं तो सामूहिक विवाह सम्मेलन में